लॉकडाउन के दौरान महवा मंडी में व्यापारियों की भीड़ को देखते हुए बुधवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर मंडी में फुटकर सब्जी विक्रेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है तथा मंडी पदाधिकारियों से अपील की गई है कि गुरुवार से मंडी में फुटकर सब्जी नहीं बिकेगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर अब मंडी में सिर्फ थोक व्यापारी ही सब्जी बेच सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महवा सब्जी मंडी के सचिव सेवा राम वर्मा ने कहा, आप सभी को सूचित किया जाता है कल से फुटकर व्यापारी यहाँ नहीं आएंगे। पकड़े जाने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल से फुटकर व्यापारी यहाँ नहीं आएंगे। आप लोगों को सूचित किया जाता है कल से फुटकर व्यापारी यहाँ नहीं आएंगे, अन्यथा आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं मंडी सचिव गोरखपुर सेवाराम वर्मा। पूरे जनपद में फुटकर व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया है, केवल थोक व्यापारी माल विक्रय करेंगे। वो ठेला वालों को विक्रय, ठेला या वैन चालक को बिक्री करते हैं, जिससे वैन चालक और ठेला चालक जा करके डोर टू डोर डिलीवरी देते हैं। ये डीएम साहब ने इसलिए किया हुआ है कि जिससे कि कहीं पर भी गैदरिंग ना हो और पब्लिक को भी अपने घरों से ना निकलना पड़े, अपने घर पर ही उनको फल सब्जियाँ मिल जाएँ।